कोरोना नाम पूछकर नहीं आता, कृपया सावधानी बरतिए, अपना और अपने परिवार एवं देश का ख्याल रखें। कोविड 19 को देश के साथ साथ राज्य में भी प्रतिबंधित करने के लिए राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा संचार बंदी लागू की गई है। कोविड 19 को राज्य की राजधानी और उपनगरों में और साथ ही साथ कोविड 19 प्रभावित क्षेत्रों में इस वायरल बीमारी के रोगियों का इलाज किया जा रहा है। इस बीच राज्य की उपराजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति भी वास्तविकता की जांच के लिए राज्य के पशु संवर्धन तथा युवा कल्याण एवं खेल मंत्री सुनील केदार द्वारा बताया गया कि आज तक कोविड 19 वायरस के विषय में नागपुर के ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्र से कोई पॉजिटिव केस नहीं मिली। यह एक अच्छी बात है। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उपकेंद्रों, नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे डॉक्टर, नर्स, दवा वितरण अधिकारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, साथ ही साथ SDO, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों से प्राप्त सेवाएं के चलते जिले के सभी स्थानीय सरकारी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के जनप्रतिनिधि और उनके सहयोगी अधिकारी और कर्मचारी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर प्राप्त दिशा निर्देशों के लिए सार्वजनिक जागरूकता और पालन करने के कारण आपके घर में रहकर जो सहयोग कर रहे हैं यह सबसे अच्छी बात है। भले ही जिले की स्थिति बेहतर हो फिर भी 15 से 20 दिनों तक जागतिक आपदा से बचने के लिए सभी नागरिक सामाजिक दायित्व निभाने के लिए राज्य तथा देश के लिए सहयोग करें। इस आपदा पर काबू पाने के लिए सोशल डिस्टेंस के नियम पालन करना ही होगा, तभी इस जागतिक महामारी के वायरस से बच सकते हैं। कोरोना का चिकन पर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन केवल स्वच्छता आवश्यक है। यह जानकारी पशुपालन और युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार द्वारा 29 मार्च को सुबह 10 बजे नागपुर जिले के कोंडाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर कोंडाली तथा ग्रामीण अंचल के जनता के बचाव के उपायों का जायजा लिया। इस अवसर पर मंत्री सुनील केदार ने उपस्थित प्रतिनिधियों, अधिकारियों और गाँव कर्मचारियों और कर्मचारियों से देश, राज्य, जिला, तालुका, गांव और स्वयं की देखभाल करने की अपील करते हुए देश, राज्य, जिला, तालुका, गांव और स्वयं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सहयोग की अपील भी की है। कोंडाली से संवाददाता की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज के लिए।